दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। हमेशा की तरह एक स्टोरी और, वो ये कि कितनी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी शादियां हुई हैं बहुत ही अजीब तरीके से, जो चर्चा में रहे। पहली बात, आईएएस अफसर टीना डाबी दूसरी शादी रचाने जा रही हैं। साल 2016 में टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप किया था। 2018 में उन्होंने आईएएस अफसर अतः रामी से लव मैरिज की। अतः 2016 बैच के सेकंड टॉपर थे। एक साक्षात्कार में टीमा ने बताया था कि अतहर से उन्हें पहली नज़र में प्यार हो गया था और दोनों दूसरे के करीब आ गए थे। घर वालों की रजामंदी से साल 2018 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। नवंबर 2020 में टीना और तहर ने आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। साल 2021 में टीना डाबी और तहर खान ने तलाक ले लिया। अब टीना दूसरी शादी करने जा रही हैं। मंगेतर प्रदीप गवाड़े भी आईएएस अधिकारी हैं। दोनों का रिश्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं उन आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में जिनकी शादियाँ अनोखे तरीके से की गई हैं। ये कहानी है असम कैडर की आईएएस अफसर प्रेरणा शर्मा और यूपी कैडर की आईएएस मृदुल चौधरी की। दोनों 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। 2018 में दोनों ने शादी की, इसकी खूब चर्चा हुई। मृदुल उस वक्त महोबा में एसडीएम थे और प्रेरणा की तैनाती गुवाहाटी सचिवालय में थी। दोनों ने महोबा के एडीएम कोर्ट में बड़ी सादगी के साथ शादी कर ली। हमेशा लाव लश्कर के साथ रहने वाले आईएएस अफसरों की इन शादी ने बराती और न ही कोई डीजे था, काफ़ी चर्चा में रही शादी और लगातार इसकी बातचीत होती रही। एक और बात करते हैं नवजोत और तुषार की। पटना में तैनात 2017 बैच की आईपीएस अफसर नवजोत सिमी और पश्चिम बंगाल में तैनात 2015 बैच के तुषार सिंगलानी 2020 में वैलेंटाइन डे पर लव मैरिज की। तुषार कोलकाता में ही तैनात थे, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऐसे में नवजोत सीधे उनके दफ्तर पहुँच गई और दोनों ने वहीं शादी कर ली। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। इस शादी की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब की गई। एक शादी और हुई है मध्य प्रदेश की तपस्या परिहार 2018 बैच की आईएएस हैं। उन्होंने पिछले ही साल आईएफएस अफसर गर्वित गंगवार से शादी की। दोनों की शादी खूब चर्चा में रही। तपस्या ने शादी में कन्यादान की रस्म को करवाने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, दान की चीज़ नहीं हूँ। तपस्या की इस बात पर उनके पिता ने भी समर्थन किया। तपस्या परिहार ने 2018 यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की थी। इन शादियों ने पूरे देश में अपनी एक माहौल बनाया और लोगों को सोचने पर विवश किया। एक शादी और की बात करते हैं। पिछले साल जून में ही अयोध्या में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पर तैनात रहे आईएएस अफसर प्रशांत नागर की शादी भी चर्चा में बनी रही। प्रशांत ने 111 रुपये का शगुन लेकर दिल्ली की डॉक्टर मनीषा से शादी की। बिना दहेज की इस अनोखी शादी में मात्र 11 बाराती शामिल हुए। प्रशांत नागर ने तब बताया था कि उनकी बहनों की शादी भी बिना दहेज की हुई थी। ऐसी एक शादी और हुई है, 2012 का मामला है। गुजरात में नर्मदा जिले के आईएएस अफसर विजय खराड़ी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी की थी। विजय 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने स्कूल की शिक्षिका सीमा गरासिया से शादी की। दोनों आदिवासी समाज से ताल्लुकत रखते हैं। तड़क भड़क से दूर शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, क्योंकि इस तरह की शादियाँ बहुत कम होती हैं और कम देखने को मिलती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं टीना की। टीना की शादी चर्चा में रही और चर्चा में फिर है। तो लगातार दोस्तों ऐसी शादियों की चर्चाएं, ऐसी खबरें हम ला करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जोड़े जो कभी चर्चा में रहे और वो शादियां जो आईएएस आईएफएस की आईपीएस की आईआरएस की जो होती हैं, जो चर्चा में रहती हैं, उन पर दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक यही देखना चाह रहे हैं और हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। आप देखते रहिए पोल्टा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।